Hey guys, welcome to Bankers Holic. How are you all? I hope you all are doing well. So my name is Priyanka Chauhan. I did my graduation in 2018 from DU and cleared my Union Bank of India clerk examination 2019. And I appeared in several exams like LIC mains, SBI clerk mains and IBPS PO mains. So guys, इस वीडियो में आज मैं शेयर करने वाली हूँ अपना स्कोर कार्ड. देखिए IBPS clerk main का स्कोर कार्ड. ये देखिए नेम ऑफ द कैंडिडेट इज प्रियंका चौहान एंड मेरा कैटेगरी जो था वो ओबीसी था और मैंने अप्लाई किया था दिल्ली से. मेरा 100 में से स्कोर था 43.13 और मुझे आंध्र बैंक अलॉट हुआ था. एंड देखिए मेरा सब्जेक्ट वाइज स्कोर, मेरा जनरल अवेयरनेस में था 24.75, इंग्लिश में था 16, रीजनिंग में 24.75, क्वांट में था 20.75 एंड टोटल स्कोर था मेरा 86.25 आउट ऑफ 200. सो गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि आपका IBPS क्लर्क प्री जो है दिसंबर में होने वाला है, तो उसी के बेसिस पे मैं आज आपको कुछ स्ट्रैटेजीज बताऊंगी जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती है. क्योंकि अब आपको प्री के लिए अपीयर होना है तो आपको प्री में सबसे पहले आपको ये चीज़ पता है कि प्री में जो है आपको स्पीड बहुत चाहिए. इट्स ऑल अबाउट स्पीड. तो आप स्पीड कैसे बढ़ाएंगे और कहाँ से क्या पढ़ेंगे वो सब मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करूँगी और आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी. तो देखिए गाइज, इसमें मैंने जो इंग्लिश किया था अपने जब मैं प्री के लिए प्रिपेयर कर रही थी, तो मैंने इंग्लिश में क्या किया था, मैंने हिंदू न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स रीड किए थे. इट्स लाइक आप सबको पता है कि आपका जो इंग्लिश होता है वो रीडिंग बेस होता है. जिसकी रीडिंग स्किल अच्छी है, जो अच्छा रीड मतलब रीडिंग में अच्छा है, उसका इंग्लिश अच्छा जाता है, उसका स्कोर अच्छा होता है, ही कैन स्कोर वेल. तो गाइज आपको उसके लिए रीडिंग करनी है. आपको हिंदू न्यूज़पेपर का कोई भी दो आर्टिकल उठाओ और उसको रीड करो. उससे क्या होगा, आपकी वोकैब भी अच्छी होगी और आपकी रीडिंग स्किल भी अच्छी होगी. अब जिसकी रीडिंग स्किल अच्छी होती है उसका तो इंग्लिश का पेपर इजी हो जाता है उस इंसान के लिए, क्योंकि आपको वोकैब्स और रीडिंग सब सिर्फ यही चाहिए. तो मैंने इंग्लिश में इतना ही किया था कि मैंने न्यूज़पेपर को रेगुलरली रीड किया था, उसको फॉलो किया था हिंदू न्यूज़पेपर को. तो आप भी ऐसा ही कीजिए. और उसके बाद आ जाता है आपका रीजनिंग. रीजनिंग तो सबका ही फेवरेट होता है आई गेस, मेरा भी फेवरेट था. तो उसके लिए मैंने क्या, सबसे ज़्यादा जो आपका पोर्शन होता है वो पज़ल्स का होता है. इट्स लाइक 18 to 20 मार्क्स पूरा उसमें से होता है पज़ल्स में से. तो मैंने क्या किया था, अंकुश लांबा सर है, उनकी वीडियोज़ को मैं देखा करती थी. सर उसमें जितना, सर का क्या होता है कि सर जो पज़ल देते हैं उसके बाद उसका टाइम बताते हैं कि भाई ये पज़ल इतने टाइम में सॉल्व हो जाना चाहिए. तो मैं वही करती थी, सर टाइम बताते थे, मैं टाइमर लगाती थी और सॉल्व करती थी पज़ल को. कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है टाइम, बट कोई बात नहीं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. बस आपको अपनी प्रैक्टिस जो है कंटिन्यू रखनी है. इट्स लाइक मैं 20 पज़ल डेली सॉल्व करती थी जब प्री के लिए प्रिपेयर कर रही थी, 20 और टाइमर के साथ करती थी. कोई बात नहीं, अगर आपका टाइम आज ज़्यादा लग रहा है तो कल कम लगेगा. आपको बस प्रैक्टिस करनी है. यू नीड टू डू प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. आपको रुकना नहीं है. आप टाइमर सेट करो, आप पजल सॉल्व करो. आप एक एक सर की वीडियो देख सकते हो आप, उसमें सर बोलेंगे कि ये पजल 3 मिनट में सॉल्व होना चाहिए, तो आप उसको ट्राई करो कि वो 3 मिनट में सॉल्व होए. अगर नहीं होता 3 मिनट में, अगर आपका थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है तो कोई बात नहीं, दोबारा प्रैक्टिस करो, डेली प्रैक्टिस करो, एटलीस्ट 20 पजल करो, लगाओ, आपका स्पीड जो है इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, और बाकी सब तो हो ही जाता है, मेन आपका पजल रहता है. उसके बाद हम आ जाते हैं क्वांट पे. क्वांट में क्या होता है, आपका प्री लेवल का मैं बता रही हूँ. क्वांट में जो होता है आपका मेन होता है अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज और इनइक्वालिटीज एंड डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन. तो आपको इन टॉपिक्स पे पहले फोकस करना है. आपको क्या करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है, इन सारे टॉपिक्स की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, क्योंकि यही अकेले 15 से लेके 18 मार्क्स तक कैरी करते हैं. तो इसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप वर्ड प्रॉब्लम के लिए जा सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से भी आपके 20 मार्क्स आराम से बन सकते हैं. तो आपको बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस करनी है. आपको DI बनानी है डेली, आपको नंबर सीरीज बनानी है डेली, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, इनइक्वालिटीज आपको डेली सॉल्व करनी है, प्रैक्टिस करनी है. और आप कोशिश करें कि आपको जो प्री लेवल का DI है वो 2.5 से लेके 3 मिनट के अंदर बन जाए 5 क्वेश्चन. ठीक है, आप डेली प्रैक्टिस करें. ओके, और आपको ये है कि अगर आपको लगता है कि आप, मैं क्या करती थी, मैं डेली 2 मॉक टेस्ट
देती थी। मेरा एक मॉर्निंग का और एक इवनिंग का, हमेशा मेरा दो मॉक टेस्ट तो फिक्स होता था कि मुझे देना है। और आपको भी यही करना है, इफ़ यू फील लाइक कि मेरी स्पीड ठीक ठाक है तो आप डेली एक मॉक टेस्ट दे दें। अदरवाइज इफ़ यू फील लाइक कि नहीं यार मेरी स्पीड जो है कम है, तो आपको क्या करना है, आपको डेली दो मॉक टेस्ट देने हैं जब तक आपका एग्जाम आएगा। अभी इट्स लाइक अभी चल रहा है अक्टूबर, अभी 10 है, सॉरी 4 है, तो आपका पूरा अक्टूबर है, पूरा नवंबर है, 2 महीने हैं। इट्स क्वाइट इनफ, आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, आपका वन गो में ही एग्जाम क्लियर हो सकता है अगर आप इस चीज़ को फॉलो करें। मैं ज़्यादा नहीं पढ़ती थी, मैं 6 to 7 hours पढ़ती थी, बट बहुत अच्छे से पढ़ती थी, और मॉक टेस्ट को हमेशा डेली की डेली मैं मॉक टेस्ट लगाती थी। तो आपको भी यही काम करना है, आपको अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है, आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी है चाहे कुछ हो जाए। आपको मॉक टेस्ट देना है डेली, आपको पजल्स बनाने हैं डेली, DI बनाना है डेली, न्यूज़पेपर पढ़ना है डेली। ठीक है गाइस, आप ये सब चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक कर सकते हैं एग्जाम, और बहुत जल्दी क्रैक कर सकते हैं। इट्स लाइक देखो, मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था सितंबर 2018 में, एंड मेरा मेंस एग्जाम था जो था क्लर्क का, वो था 19 जनवरी 2020 में। तो इट्स लाइक 1.5 ईयर, और लेस देन 1.5 ईयर मैंने अपना एग्जाम क्लियर कर लिया था। तो आप भी कर सकते हैं कम समय में अगर आप अपना पूरा ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करें, अच्छे से इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड करें, और क्वांट में आप ये चीज़ें जो मैंने बताया फॉलो करें, पजल सॉल्व करें डेली की डेली, तो और मॉक टेस्ट लगाएं, तो आप भी अच्छे से वन गो में ही क्रैक कर सकते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।